Hi friends, welcome to Healthy Cooking, Happy Living. If you really like today's video, please subscribe the channel, hit the notification bell for further updates of new videos. Like, comment and share. तो आज का रेसिपी है इजी चीजी गार्लिक ब्रेड. इसके लिए मैंने ब्रेड ले लिया, धनिया का पत्ता, बटर, ग्रीन चिली, गार्लिक और चीज क्यूब्स ले लिया. सारा इंग्रेडिएंट्स का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी. और थोड़ा मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया, विच इज़ टोटली ऑप्शनल. धनिया का पत्ता भी ऑप्शनल. मैंने थोड़ा इंडियन ट्विस्ट दे दिया इस गार्लिक ब्रेड पे. ये बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है, बहुत यम्मी लगते हैं टी और कॉफ़ी के साथ. आप लंच बॉक्स पे भी ले सकते हो. तो पहले मैं गार्लिक चॉप करके एक मिक्सिंग बोल पे डाल दूंगी. फिर इस पे मैं बटर डाल दूंगी. बटर को आप रूम टेम्परेचर पे लेके आइएगा, फिर आप यूज़ कीजिएगा. ग्रीन चिली मैंने चॉप करके डाल दिया, ये भी ऑप्शनल है. मैं कोरिएंडर का लीव्स, जो धनिया का पत्ता है, वो भी मैंने चॉप करके डाल दिया. इस पे मैं बटर का क्यूब डाल दूंगी. तो आप चाहो तो धनिया पत्ता और ग्रीन चिली आप नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा करके लहसुन यानी गार्लिक चॉप करके डालना पड़ेगा ये गार्लिक ब्रेड के लिए. ये मैंने तवा पे बनाई. अभी मैं बटर के साथ पूरा सारा चीज़ मिक्स कर लूँगी एक स्पून की हेल्प से. तो आप ओवन पे भी बना सकते हो, एकदम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3-4 मिनट से बन जाएगा. ये मैं नॉनस्टिक तवा पे बनाई, तो बहुत ही अच्छा करके मैं मिक्स कर लूँगी. ये मिक्स हो जाएगा, डोंट वरी, आप मत सोचिएगा कि ये मिक्स नहीं होगा. थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आते ही बटर पूरा मेल्ट हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा. इसके लिए बटर को थोड़ा पहले से फ्रिज से निकल के रखना पड़ेगा. अभी मैं 4 पीस जो वाइट ब्रेड ले लिया, उसका जो साइड्स है मैंने काट के वो अलग रख दिया, वो नहीं चाहिए इस रेसिपी पे. और जैसे मक्खन लगाते हैं ब्रेड के ऊपर, ऐसे ये स्प्रेड को मैं लगा लूँगी. पहले एक साइड के, ब्रेड के एक साइड पे लगा लूँगी. मैं पसंद करती हूँ इस पे भरपूर चीज़ और ब्लैक पेपर पाउडर, काले मिर्च का पाउडर डाल के खाना. अभी मैंने चीज़ को ग्रेट कर लिया. 2 चीज़ क्यूब लिए थे 4 पीस ब्रेड के लिए. अच्छा करके मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी. अभी 1/2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया नॉनस्टिक पैन पे. थोड़ा ऑयल गरम हो जाए, फिर पूरा लो हीट करके, पूरा सीम करके ये पकाना पड़ेगा. जब तक ये पकाएंगे तब तक पूरा इसको सीम करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ब्रेड एक साइड से जल जाएगा. अभी मैं 4 पीस ब्रेड रख दूंगी ये नॉनस्टिक पैन के ऊपर. ये ब्रेड रख के मैं ढक्कन लगा दूंगी 5 मिनट के लिए, और एकदम लो फ्लेम पे मैं कवर कर दूंगी. देखिए मैंने बहुत सारा चीज़ ऊपर से डाल दिया और ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल दिया, और पूरा पैन को राउंड करके पूरा ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ. मैंने वाइट ऑयल यूज़ किया इधर, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. तो अभी मैं इसको कवर करके 5 मिनट एकदम लो फ्लेम पे रख दूंगी. 5 मिनट बाद आपका यम्मी क्रिस्पी कुरकुरा गार्लिक ब्रेड रेडी हो जाएगा. अभी मैं एक प्लेट से इसको कवर कर दूंगी. इसका याद रखिएगा, इसके लिए जो ढक्कन है थोड़ा ऊंचा टाइप का ढक्कन चाहिए, फ्लैट ढक्कन से नहीं होगा. फ्लैट ढक्कन होगा तो क्या होगा, उस पे चीज मेल्ट होके लग जाएगा. तो अभी मैं कवर कर रही हूँ 5 मिनट के लिए. 5 मिनट पूरा लो फ्लेम पे रख के फिर आप उठा लीजिएगा प्लेट को. तो देखिए नीचे का साइड ऐसे कुरकुरा क्रिस्पी हो गया, ऊपर का चीज़ पूरा मेल्ट हो गया. होपफुली आपको अच्छा लगा है ये रेसिपी. याम, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना. मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा प्लीज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय.